अब बेटा शुरू में हम फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करते रहे, अब फंक्शंस खत्म हो गए, अब लिमिट्स के बेटा क्वेश्चन शुरू हो गए हैं और लिमिट हम अप्लाई करेंगे बेटा। उसने कहा जी इवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट। बेटा डिफरेंट थ्योरम्स ऑफ लिमिट हैं, उसमें जब पॉलिनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी या पावर की फॉर्म में होंगी या डिवीजन की फॉर्म में होंगी, तो उनके ऊपर बेटा डिफरेंट जो है थ्योरम्स लिमिट्स के लगते हैं, वो हम इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब बेटा जैसे हमारे पास ये पहले वाला तो सिंपल, हमारे पास पॉलिनोमियल के ऊपर लिमिट लगा हुआ है कि लिमिट जो है एक्स इंप्लाइज करना है आपने थ्री, कि इस लिमिट में बेटा जहां पे भी एक्स होगा वहां पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, आपने थ्री पुट कर देनी है। उसने खुद बता दिया है कि एक्स इस फंक्शन के, इस जो पॉलिनोमियल है इसके ऊपर जो आपने लिमिट लगाना है बेटा वो क्या लगाना है बेटा, एक्स जो है पुट करना है वो थ्री। अब बेटा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है तो बेटा इसको हम अगली स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। अब इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे बेटा, लिमिट जो है इंप्लाइज कर देंगे एक्स जो है थ्री है और किसके ऊपर हम लिमिट लगा रहे हैं बेटा, टू एक्स प्लस फोर के ऊपर। अब बेटा जो लिमिट है चाहे वो एडिशन की फॉर्म में हमारे पास पॉलिनोमियल दी हुई है या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई है बेटा, आपने उसके हर एलिमेंट के ऊपर, हर टर्म के ऊपर बेटा आपने क्या करना है, वहां पे आपने लगा देना है लिमिट लगाना है। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 4 था, 2x के ऊपर बेटा आपने सेपरेट से लिमिट लगानी है, 4 के ऊपर अलहदा से लगाना। अगर इसके बाद एक और भी इसकी टर्म लिखी होती, मतलब कोई भी हो सकती थी, तो उसके ऊपर भी आपने अलहदा से फिर प्लस का साइन होता या माइनस का होता बेटा, आपने क्या करना था, वो साइन लगा के उसके ऊपर भी लिमिट लगानी थी। अब बेटा जब इसके ऊपर आप लिमिट लगाएंगे, 2x के ऊपर अलहदा से लिमिट लगाएंगे, 4 के ऊपर अलहदा से लिमिट लगाएंगे और लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स प्लाइज जो आपका है बेटा 3 है और 2x के ऊपर लगा रहे हैं, फिर प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे, लिमिट आ जाएगा एक्स की वैल्यू जो है अप्लाई कर रहे हैं आप 3 और ये 4 आ जाएगा। अब बेटा क्या है हमारे पास जी, के हमारे पास है जी जहां पे भी यहाँ पे एक्स होगा बेटा उसकी जगह पे आपने 3 पुट कर देना। अब 2 बेटा लिमिट के शुरू में आ जाएगा क्योंकि एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई होती है, 4 के साथ बेटा एक्स नहीं था, वो एज इट इज वैसे का वैसा यहाँ पे लिख देंगे के 4 के साथ बेटा लिमिट नहीं थी, एक्स नहीं था सॉरी, वहां पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, वो सिंपल जो उसकी वैल्यू थी वैसे की वैसे लिख देंगे। कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट को बेटा जब लिमिट अप्लाई करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू वैसे ही रहेगी। तो बेटा यहाँ पे 2 शुरू में आ जाएगा, लिमिट हम एक्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करेंगे एक्स की बेटा जगह पे हम लिख देंगे 3। तो बेटा जब लिमिट अप्लाई कर देंगे एक्स के ऊपर 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 बेटा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेटा हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ये शॉर्ट में आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं। बेटा आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ताकि आपका थोड़ा सा जो कंसेप्ट है मजीद क्लियर हो जाए। वो हमारे पास लिमिट हम अप्लाई करते हैं जी, क्वेश्चन था 3x² - 2x + 4। अब 3x² - 2x + 4 के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं बेटा, इसकी हर टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। मतलब इसमें फर्स्ट जो है बेटा 3x² है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्लाइज 1 है बेटा माइनस, फिर आता है, फिर लिमिट x अप्लाइज 1 है बेटा 2x है प्लस, लिमिट जो है x अप्लाइज 1 और ये 4 है। अब बेटा क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 बेटा शुरू में आ जाएगा क्योंकि लिमिट हम x के ऊपर अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्लाइज 1 x का बेटा होल स्क्वायर माइनस 2, फिर x के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाइज 1 है बेटा x जो है x अप्लाइज 1 है और 4 बेटा वैसे का वैसे आ जाएगा, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बेटा जहां जहां पे भी ये x है वहां पे 1 पुट कर देंगे, अब x स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा और x की जगह पे बेटा 1 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर बेटा 3 ही आ जाएगा और 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 आ जाएगा और 4 प्लस का 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। इनको प्लस माइनस करने के बाद बेटा हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या है जी, अंडर रूट की फॉर्म में दिया हुआ है कि जब होल का अंडर रूट आ जाएगा उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है मेरा बेटा, जो लिमिट आपने अप्लाई करनी है बेटा वो अंदर जो पॉलिनोमियल होगी उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और इसका होल का बेटा जो हमारे पास अंडर रूट है उसको होल की पावर में लिख देंगे लिमिट अप्लाई करके। ठीक है मेरा बेटा,
ये होल की पावर में आ जाएगी। लिमिट बेटा अंदर अप्लाई होगा, पावर के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, अंदर वाली वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होगा और होल की पावर हो जाएगी। और ये होल की पावर बेटा स्क्वायर रूट की पावर, स्क्वायर रूट कर जब आप पावर में लिखते हैं तो वन ओवर आप टू लिखते हैं बेटा, यहाँ पे वन ओवर टू आ जाएगा उसकी पावर। तो लिमिट एक्स अप्लाइज जो है बेटा थ्री है और अंदर जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर और इसकी होल बेटा क्या आ जाएगी, वन ओवर टू आ जाएगी। अब बेटा हर इसकी टर्म के ऊपर अप्लाई करना है लिमिट को, लिमिट बेटा एक्स अप्लाई क्या करना है बेटा थ्री, ये एक्स स्क्वायर के साथ लिमिट आ जाएगा, फिर लिमिट हमारा एक्स के साथ आ जाएगा, एक्स अप्लाई थ्री हो जाएगा, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे बेटा कॉन्स्टेंट के ऊपर फोर के ऊपर और होल की पावर। बेटा दोबारा बता रहा हूँ, पावर जो है लिमिट लगाने के बावजूद जो है होल की पावर में आएगी, पावर का लिमिट के साथ बेटा कोई जो है एप्लीकेशन नहीं है अगर होल की पावर हो तो, जैसे वन ओवर टू है बेटा। अब क्या हो जाएगा बेटा, जहां पे भी एक्स आपको नजर आएगा उसकी जगह पे आप लिख देंगे थ्री। अब जहां पे बेटा एक्स की एक्स स्क्वायर की जगह पे थ्री का स्क्वायर आ जाएगा और एक्स की जगह पे बेटा थ्री आ जाएगा और फोर जो कांस्टेंट है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब थ्री का स्क्वायर बेटा हो जाता है नाइन, थ्री आगे प्लस थ्री वैसे आ जाएगा और ये प्लस फोर क्योंकि कॉन्स्टेंट है वैसे आ जाएगा। इनको बेटा एडअप कर लेंगे, थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, नाइन और बेटा ये थ्री प्लस फोर सेवन हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 की पावर वन ओवर टू, 16 का स्क्वायर रूट बेटा फोर के इक्वल होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करना है, जब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए दो पॉलिनोमियल्स। अब ये प्रोडक्ट है बेटा एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर रूट के साथ। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो दोनों बेटा जो होंगी मल्टीप्लीकेशन में, जो आपके पास पॉलिनोमियल्स होंगे उन दोनों के ऊपर बेटा आपने अलहदा अलहदा से लिमिट लगानी है। अब बेटा लिमिट आप एक्स के ऊपर अलहदा से अप्लाई करोगे और एक्स स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर रूट के ऊपर अलहदा से अप्लाई करोगे। इनको आपस में बेटा मल्टीप्लाई नहीं कर देना, आप मल्टीप्लाई कर दो फिर लिमिट लगा रहे हो, नहीं बेटा वो थ्योरम्स को फॉलो नहीं करेगा। थ्योरम ये है जब दो टर्म्स आपस में पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई होंगी तो दोनों के ऊपर बेटा आपने सेपरेट लिमिट लगाना है, उनको मल्टीप्लाई नहीं कर देना आपने। अब बेटा क्या है जी, अब एक्स के ऊपर अलहदा से लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्लाइज टू हो रहा है एक्स आ जाएगा और ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और एक्स स्क्वायर माइनस फोर के ऊपर लिमिट लगा देंगे, लिमिट एक्स अप्लाइज टू है एक्स स्क्वायर माइनस फोर और ये होल की पावर वन ओवर टू हो जाएगी। अब मेरा बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, अब जो इसकी जगह पे एक्स की जगह पे बेटा टू आ जाएगा और अंदर बेटा जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे भी टू का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फोर वैसे आ जाएगा, वो कांस्टेंट है तो टू इंटू बेटा टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, माइनस फोर, फोर माइनस फोर जीरो हो जाता है, टू मल्टीप्लाई बाय जीरो तो बेटा ये जीरो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा जब दो पॉलिनोमियल्स बेटा मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उसको लिमिट बेटा सेपरेट सेपरेट आपने लगाना है। इसके बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, दो टर्म्स हैं, दो हमारे पास हैं, उन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और दोनों के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है। बेटा उन दोनों जैसे हम प्रोडक्ट की फॉर्म में होते थे उधर भी हम क्या करते थे, अलहदा अलहदा अप्लाई करते थे, यहाँ पे बेटा सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है तो यहाँ पे भी आप बेटा इसको अलहदा अलहदा से अप्लाई करोगे। मींस लिमिट जब आप अप्लाई करोगे अप्लाइज टू इनटू बेटा जो क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वन का स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर जब अप्लाई करोगे तो सेपरेट सेपरेट अप्लाई करोगे। मीन्स लिमिट एक्स अप्लाइज टू है बेटा किसके ऊपर अप्लाई करोगे, पहले एक्स क्यूब प्लस वन के ऊपर, फिर माइनस का साइन है माइनस आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्लाइज टू है बेटा और यहाँ पे क्या है जी आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर रूट। पीछे बेटा हमने किया था कि होल का स्क्वायर रूट हो, होल की पावर हो तो बेटा उसको आप क्या करते हैं लिमिट अप्लाई करके होल की पावर लिमिट के साथ लगाते हो। तो बेटा यहाँ पे हम साथ लगाएंगे लिमिट, पहले एक्स का क्यूब फिर प्लस का साइन है प्लस, आप लिमिट वन के ऊपर लगाओगे एक्स अप्लाइज टू है और होल की पावर वन ओवर टू हो जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, फिर माइनस का साइन है, फिर आप लिमिट लगाओगे बेटा एक्स स्क्वायर के साथ अलहदा से लगाओगे प्लस फिर साइन, फिर लिमिट एक्स अप्लाइज टू और फाइव आ जाएगा क्योंकि फाइव कांस्टेंट है और इसकी पावर भी वन ओवर टू हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो बेटा इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, टू का क्यूब बेटा एट हो जाएगा, एट प्लस वन नाइन हो जाएगा, नाइन की पावर वन ओवर टू हो जाएगा और नेक्स्ट भी माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा
और 5 वैसे आ जाएगा, ये भी 9 बन जाएगा, 9 की पावर 1 ओवर 2, 9 की पावर 1 ओवर 2 बेटा, या 9 स्क्वायर रूट, ये जो है आपस में बेटा एक प्लस का एक माइनस का बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 6 पार्ट है इसका बेटा, लिमिट जो है x जो है -2 अब अप्लाई करना, पहले हम प्लस वाले अप्लाई कर रहे थे बेटा, यहाँ पे हमने -2 अप्लाई करना। अब हमारे पास क्या है जी, फ्रैक्शन की फॉर्म में है यार इसको आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है बेटा, ऊपर हमारे डिवीजन की फॉर्म में है, दो एक पॉलिनोमियल दूसरे से आपके पास बेटा जो डिवाइड हो रही है, ठीक है मेरा बेटा, एक दूसरे से डिवाइड हो रही है। अब डिवीजन की जब फॉर्म में होगी तो उसको आपने कैसे अप्लाई करना है बेटा, डिवीजन की फॉर्म में होगी न्यूमरेटर के ऊपर अलहदा से आपने लिमिट लगाना है, और डिनोमिनेटर के ऊपर आपने अलहदा से लिमिट लगाना है। तो ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर पहले बेटा आप लिमिट लगा दोगे, ऊपर वाली वैल्यू है हमारे पास लिमिट एक्स अप्लाईज -2 और ये है 2x³ + 5x है। इसी तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर के ऊपर अलहदा से लगाएंगे, लिमिट जो है अप्लाईज -2 है और ये हमारे पास है जी 3x - 2 है। अब बेटा इसकी बाकी वही रूल है बेटा कि दोनों के दरमियान में प्लस है तो शुरू वाली वैल्यू के साथ आप अलहदा से लिमिट लगाएंगे, प्लस वाली के बाद जो प्लस के बाद वाली वैल्यू होगी उसके साथ अलहदा लगाएंगे। इस तरीके से माइनस नीचे है, माइनस वाले 2 के ऊपर अलहदा से लगाएंगे, तो यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगा बेटा 2 शुरू में आ जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, लिमिट आप अप्लाई करोगे x³ के ऊपर, फिर प्लस है, प्लस आ जाएगा, 5 कॉन्स्टेंट है, 5 शुरू में आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्लाईज -2 और किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो एक्स के ऊपर। इस तरीके से नीचे जो है 3 कॉन्स्टेंट है, 3 शुरू में आ जाएगा मेरा बेटा, और लिमिट जो है एक्स अप्लाईज कर रहे हो -2 और ये एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, माइनस लिमिट जो है बेटा एक्स अप्लाईज -2 है और ये बेटा 2 के ऊपर अप्लाई माइनस शुरू में आ जाएगा। अब बेटा जहां पे भी एक्स होगा वहां पे उसकी लिमिट की वैल्यू जो है -2 आपने पुट कर देनी है, 2 × -2 का पावर क्यूब हो जाएगी प्लस 5 × -2 हो जाएगा, ओवर हो जाएगा 3 × -2 और ये -2 वैसे आ जाएगा क्योंकि साथ इसके साथ एक्स नहीं है, एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब 2 की पावर क्यूब बेटा -8 हो जाएगा, -8 × 2 16 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 5 × 2 = 10 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे -6 × 2 × 3 - 6 हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा। ऊपर जो वैल्यू बेटा सेम एडिशन हो जाएगी, सेम साइन की साइन माइनस आ जाएगा, 26/-8 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के टेबल से कटिंग करके 13/4 इसका बेटा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा हमारे पास